किए, ऐसे में किसानों के सहारक ने, उनके आंदोलन ने, उनके संघर्ष ने इस किसान बिल को वापस लेने पर विवश किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया और पहले दिन से संसद में, सड़क पर, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तमाम प्रदेशों में ट्रैक्टर रैली निकाली, बड़ी बड़ी सभाएं किया, प्रियंका गांधी जी ने भी कांग्रेस का ऐसे कार्यकर्ता किया, तब जाकर यह परिणाम देखने को मिला और सरकार छूटी। अखिलेश जी, संजय सिंह की मुलाकात हुई, मैंने आपसे कहा है जी, राजनीति में बल बल तब क्या होगा, कोई नहीं जानता, थोड़ा और क्या जी, आपने गांधी को देखा जैसे आपने कहा कि चुनावी रण शुरू हो चुका है, ऐसे में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उम्मीदवारों की तैयारी कर रही है, प्रचार प्रसार में लगे, आप सदस्य अभियान चला रहे, कहीं आपका टारगेट 2022 से 2024 में शिफ्ट हो गया है? चुनाव पिछले समय में फरवरी और मार्च में हो गए थे विधानसभा के चुनाव, ये निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है कि वो निकाय चुनाव को पहले कराएगी या विधानसभा का चुनाव कराएगी, ये निर्वाचन आयोग को तय करना है, तो निर्वाचन आयोग तय करे कि इसमें उसे कैसे चुनाव कराना है। सपा रालोद के गठबंधन पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये राजनीति है, समय परिस्थितियां बहुत कुछ बदलती है, अभी कुछ आप देख रहे हैं, कल कुछ और देखेंगे, तो थोड़ा इंतजार करके, अभी तो चुनावी समय और रण शुरू हुआ है, अभी एक गठबंधन आज जाएगा, कल टूट भी जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा इंतजार करिए। कैबिनेट बैठक में किसान बिल वापसी का प्रस्ताव रखा गया है? देखिए, कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद, संसद में आने के बाद, जब तक महामहिम राष्ट्रपति का मोहर न लग जाए, अध्यादेश के रूप में न आ जाए, तब तक इसमें कुछ भी कहना बेमानी होगी, जल्दीबाजी होगी, क्यों? क्योंकि अध्यादेश था, संसद से बिल पास होकर आया था और उसको महामहिम राष्ट्रपति ने अंतिम रूप दिया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, अब भारतीय जनता पार्टी के देखिए महामहिम राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्रा और संवैधानिक